पटना जंक्शन से 27 नवंबर को नाबालिग युवती का अपहरण मामला। मामले में पटना रेल पुलिस का बड़ा खुलासा। प्रथम दृष्टया नाबालिग के साथ रेप का मामला आया है सामने। युवती को घर पहुंचने वाले सागर महतो को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सागर महतो ने 15 साल की नाबालिग से कर लिया था विवाह। युवती का अपहरण करने वाले युवक की तलाश जारी। पटना रेल पुलिस ने आज किया खुलासा। सीसीटीवी फुटेज में आई है अपहरण करने वाले युवक की तस्वीर। अपहरणकर्ता युवक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। 27 तारीख को एक अपहरण की घटना हुई थी पटना जंक्शन पे, और उसमें एक 1067/23 कांड दर्ज किया गया था। उसमें हम लोगों ने अनुसंधान प्रारंभ किया था। उसमें पहचान नहीं हो चुकी है, लेकिन उसमें सीसीटीवी में जो अपहरण करने वाले व्यक्ति हैं उसका साफ चेहरा दिख रहा है, और उसमें हम लोगों ने छापेमारी किया है। वो अभी तक वो पकड़े नहीं गए हैं। इसी बीच दिनांक 29 तारीख को एक व्यक्ति सागर महतो, पिता हीरालाल महतो, साकिन कायम नगर, थाना कोइलबर, भोजपुर, जो अपहरित है, अपहृता है, उसको लेकर उसके घर पे उनके द्वारा पहुंचाया गया, जो कि ई रिक्शा चलाते हैं। तदुपरांत रेल पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, और जो लेकर पहुंचाए थे सागर महतो, उनसे भी पूछताछ, गहन पूछताछ की गई, और कल काफ़ी लंबी उसमें पूछताछ करके और उनका जो तथ्य आए हैं वो चौंकाने वाले तथ्य हैं। इन्होंने 27 तारीख को ही इनको लड़की मिली ज्योति चौक बक्सर डीएवी स्कूल के पास, और वो उसके बाद उसने उन्होंने उस लड़की के मांग में सिंदूर भरा और वो उसको घर लेकर चले गए। घर ले गए तो उनकी पत्नी ने साफ मना कर दिया उसको रखने से। तब वो उस लड़की को अपने साथ ले जाकर बक्सर रेलवे स्टेशन पर इन्होंने 2 दिन और 2 रात रखा, 27 और 28 को, और 29 तारीख को ये उसके घर पर इन्होंने पहुँचाया। तो इनके विरुद्ध भी प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित हो रहा है 365 अपहरण का, कि इन्होंने लड़की को पहुंचाने का घर पर प्रयास किया, 2 दिन अपने पास रख के, और पुलिस को भी सूचना नहीं दी। और दूसरा कि प्रथम दृष्टया जो अभी तक अनुसंधान हुआ है उसमें दुष्कर्म का भी मामला पाया गया है लड़की के साथ। सिंदूर सर दिया गया तो क्यों सिंदूर दिया गया? पहले से वो तो टेम्पू चालक है, लड़की दोनों परिचित थे? नहीं, ये अभी तक परिचित होने का कोई प्रकाश नहीं आया है, उन्होंने बताया भी नहीं है, और सागर महतो ने स्वयं उसको सिंदूर डाल के और वो अपने घर ले गए। लड़की नहीं, बालिक नहीं है, वो 15 वर्ष की है, और वो इलाज कराने के लिए उनके पिताजी लाए थे। हालांकि लड़की अपना एड्रेस बताने में सक्षम है, और लड़की भी प्रथम दृष्टया उन्होंने दुष्कर्म की बात बताई है, और हम लोग दोनों का चिकित्सीय जांच करा रहे हैं और आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। और इनको जो सागर महतो है उनको उनका अपराध इसमें पाया गया है इस कांड में, और उनको जेल भेजा जा रहा है। सागर महतो के द्वारा भी दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया? हाँ, प्रथम दृष्टया पाया गया है। दुष्कर्म सर अभी हुआ या पहले भी होता रहा? 27 और 28 तारीख को इन्होंने, सागर महतो ने, इसको लड़की को अपने साथ रखा प्लेटफॉर्म पे, और रात्रि के दौरान ही प्रथम दृष्टया बात आ रही है दुष्कर्म करने की। सागर महतो जो व्यक्ति ने सीसीटीवी में जो व्यक्ति का चेहरा आया है, अभी तक वो व्यक्ति रेल पुलिस पटना के हाथ में नहीं आया है। हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं, उसकी पहचान स्थापित नहीं हो पाई है। हालांकि वो स्पष्ट वो कैमरा में दिख रहा है, लेकिन ये जो व्यक्ति है, जो सागर महतो है, जो लेकर गए थे लड़की को 29 तारीख को 12:30 बजे दिन में इन्होंने बक्सर पहुँचाया, ये व्यक्ति के पास लड़की 27 तारीख को ही शाम में उनके पास ज्योति चौक बक्सर डीएवी स्कूल के पास वो लड़की इनको मिली, जैसा कि इन्होंने बताया, और हम लोग उसको रिकंस्ट्रक्ट भी करने का प्रयास किया जा रहा है। बक्सर से हम लोग सीसीटीवी फुटेज, रेलवे स्टेशन से भी हम लोग प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। चौक चौराहा जहाँ पर भी वो लड़की का है वो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम अपील भी कर रहे हैं सभी मीडिया से, और सभी जो बक्सर में जितने भी सीसीटीवी जो भी इनके पास है, तो वो कि वो दिखाएं कि वो जो अपहृता है वो किस प्रकार से ज्योति चौक पहुँची, उसमें भी हम मदद पूरी मांग रहे हैं मीडिया से। लड़की जल्दी ही पकड़े जाएंगे, क्योंकि स्पष्ट चेहरा दिख रहा है, और ऐसा कोई यहाँ पे पटना जंक्शन पे कोई गैंग या कोई चीज़ स्थापित नहीं हुआ है कि कोई गैंग कार्य करे। और मात्र 5 मिनट के अंतराल पर जो सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने देखा, तो 27 तारीख के 9 बजे में 8 से 9 के बीच की ये घटना है, तो उसमें स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 के गेट नंबर 4 पर मात्र पानी पीने के लिए अपहृता के जो फादर हैं वो गए, और 5 मिनट के अंतराल पर ही वो व्यक्ति उसको हाथ पकड़ कर करबिगैया साइड में वो उनको उसको ले जाता है। लड़की ऑटो चालक के पास कैसे पहुंचे, बीच में क्या हुआ इस पर तो ये वाला अभी तक हम लोग के संज्ञान में नहीं आया कि वो बक्सर कैसे पहुंची।
बड़ा मामला है, 5 मिनट के अंदर लड़की को जो है गायब कर दिया गया, लगता है कोई नेटवर्क है जो नहीं, नेटवर्क की संभावना से बिल्कुल इनकार करते हैं हम, क्योंकि पूरी सीसीटीवी हाँ सीसीटीवी फुटेज जो है वो दिया जाएगा। नहीं, लड़की से किसी ऑटो चालक के संपर्क की बात भी स्थापित नहीं हुई है। स्थापित नहीं हुआ है दोनों के बीच का पूर्व परिचित का। कितने दिनों में पकड़े जाएंगे मुख्य आरोपी? कुछ जल्दी पकड़ लिए जाएंगे, हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं और जितने भी एरिया है पटना से लेके और किस मीडियम से, क्योंकि लड़की को या तो बस के द्वारा ले जाया गया होगा या ट्रेन से, तो हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो किस प्रकार से बक्सर पहुंची। ह्यूमन ट्रैकिंग का मामला हो सकता है? ह्यूमन ट्रैकिंग का अभी तक प्रथम दृष्टया पता लग नहीं रहा है, अभी तक नहीं आया है मामला कि वो किस मंशा, क्योंकि वो लड़की यहाँ से अपहरण के बाद 27 तारीख को ही वो बक्सर पहुँच गई है। सर, जब 12:30 बजे वहाँ पहुँच गई वो, 9 बजे तक यहीं थी? नहीं, टाइम के बारे में अभी कन्फ्यूजन है। टाइम 12:30 में 29 को इन्होंने पहुँचाया है, जो सागर महतो है वो 29 तारीख को 12:30 बजे दिन में लड़की के घर पे पहुंचाया है। सागर महतो को लड़की डीएवी स्कूल के पास कब? 27 तारीख के शाम शाम में 11:30 बजे मिली है। उसका परिवार भी यही बोलना है? नहीं, मुझे हम लोग को जो जानकारी अभी तक मिली है, क्योंकि ये 8 से 9 के बीच में ही हुआ, बक्सर जाने में भी 3 घंटे कम से कम समय लगेंगे कम से कम, तो तुरंत बक्सर किस मीडियम से गई है अभी ये बिंदु हम लोग को ये रिकंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है कि टाइमिंग को लेके अभी भी हम लोग कन्फ्यूजन में है। ये बता रहे हैं कि सायं से थोड़ा पहले जो सागर महतो है उससे पहले इनको लड़की मिली, लेकिन ये समय वहाँ के सीसीटीवी फुटेज या जो भी चौक चौराहा पर हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पर भी अनुसंधान चल रहा है, तो वो अगर हमको मिल जाता है कि किस प्रकार से लड़की ज्योति चौक पहुँची, तो हम बताने के नहीं, सागर महतो से कोई संबंध स्थापित इनका नहीं है, लड़की का नहीं हुआ है। अपहर्ता